अस्सलामुअलैकुम अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन बन रहा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी, बहुत ही जल्दी बनने वाला। एक अदद मैंने प्याज ले लिया। प्याज को आपने हाथ से इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। एक पैन के अंदर मैंने प्याज डाल दिया, बड़ा सारा प्याज था मेरे पास, मैंने एक अदद ले लिया। इसमें हम हाफ कप घी का डालेंगे और ऑयल लेना है, ऑयल ले लें आप, मैं ऑयल में बना रही हूँ। हमने गोल्डन कर लेना है चिकन, हम एक किलो के करीब चिकन है हमारे पास। चिकन हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यमी। ये एक बाउल के अंदर चिकन डाल दिया, इसके अंदर मैं दही डालूंगी। मैंने दही का डाल दिया इसके अंदर और मैंने मुर्गी का मसाला लिया है, जो मुर्गी मसाला मिल जाता है आराम से, कोई सी भी कंपनी का ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने नेशनल का लिया तो आप नेशनल का लेंगे, आप भी मुर्गी मसाले का कोई, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभार इस तरीके के टेस्ट करने चाहिए चीज़ों के, तो हर दफ़ा एक टेस्ट अलग 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 से टेस्ट अच्छे लगते हैं। सही है, चिकन में डाल देंगे मसाला और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको साइड पे कर देना है। इस तरीके का गोल्डन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। निकाल लिया पैन में से और इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। बहुत ही अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ गया और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया। अब हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन 10 मिनट तक रखा हुआ था, वो मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दीजिए। दही वाला चिकन हमने इसमें डाल दिया था, मसाले वाला, मुर्गी मसाले का। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तकरीबन पानी नहीं लगाएंगे, दम पे रखेंगे चिकन को तकरीबन 15 मिनट के लिए। चिकन अच्छे से जब कुक हो जाएगा फिर मैं बताऊँगी इसमें मसाला हम किस तरीके से शामिल करेंगे। चिकन डाला हुआ था उसके साथ, हमने जब चिकन को 15 मिनट के लिए रखा तो चिकन जो है कुक हो चुका था, ये दही का जो पानी निकला हुआ है वो है, और ऑयल आना शुरू हो चुका है। फ्लेम को हम स्लो करेंगे और प्याज को दड़बड़ सा हमने मिक्सी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, ज़्यादा नहीं बारीक करेंगे, बस दड़बड़ सा रखेंगे। मैंने मिक्सी ब्लेंडर में प्याज को दड़बड़ सा कर लिया है और इसका देखें ज़रात नज़र आ रहे हैं इसके। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का हमारा जो है ये सालन रेडी हुआ है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ इसके मैंने बनानी है चपाती। ज़बरदस्त किस्म की हमारी सालन बन के रेडी हो गया चिकन का। इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 से 3 अदद हरी मिर्च, इसको डिश आउट करेंगे। ये चपाती के साथ सहरी में खाएँ, तारी में खाएँ और अपनी फैमिली को खुश करें। मज़ेदार किस्म का चिकन का सालन हमारा टेस्टी टेस्टी सा यमी यमी सा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकअल्लाह।